हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं पिच्छू घास की। उत्तराखंड के कुमाऊं में इसे शिशुण, गढ़वाली में इसे कंडाली के नाम से जाना जाता है। और गाइस, बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं बिच्छू का नाम सुनते ही। आप लोग भी इसे रिलेट कर पाएंगे। बचपन में जब भी हम लोग शैतानियाँ किया करते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें डराया करते थे और कहा करते थे कि अगर आप लोग ज़्यादा शैतानियाँ करोगे तो बिच्छू लगा देंगे। सो गाइस, ये थी कुछ बचपन के किस्से। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, बिच्छू बूटी को बहुत ही सावधानी से तोड़ें, नहीं तो आपको करंट भी लग सकता है। मैं करंट इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें जो कांटे आप देख रहे हैं ये जब हमारी बॉडी से टच होता है तो एक झनझनाहट होती है और वो काफ़ी टाइम तक महसूस होती है। तो हमेशा ग्लव्स और चिमटे का यूज़ करना चाहिए इसे तोड़ते वक्त। सबसे पहले इसे धो लेंगे पानी से।
एक बार इसे अच्छे से उबालने के बाद इसके कांटों से कोई नुकसान नहीं होता। इसमें जो मोटे तने हैं इसे भी हम निकाल देंगे बाहर। एंड गाइस, आज मैं मिक्सी का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो सिलबट्टे में भी इसे आसानी से पीस सकते हैं। यह है तिमूर गाइस, और मैंने आपको अपनी तिमूर वाली वीडियो में कहा था कि मैं इसे यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। तो इस तिमूर का यूज़ बेस्ट है इस साग के लिए। इसका वनस्पतिक नाम आर्टिका डाइओका है। इसे लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए, सर्दियों में इसे खाना फायदेमंद है। गर्म तासीर वाला यह पौधा विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज की खान है। इसमें इतनी तरह के विटामिन पाए जाते हैं कि इसे मल्टी विटामिन युक्त भी कहा जाता है। उत्तराखंड के कई नए स्टार्टअप इसके रेशों से बने जैकेट, साड़ी, शाल, स्टॉल, स्कार्फ और बैगों का निर्यात कर रहे हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ, आई होप आपको पसंद आई होंगी।